आई और जोर जोर से गड़गड़ाई। गड़गड़ा करके महाराज इतनी जोर से वर्षा प्रारंभ हो गई कि ब्रजवासी घबराने लगे और दौड़े दौड़े कन्हैया की शरण में गए। कन्हैया की शरण में गए और जाकर के बोले, कन्हैया हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। बोले कि भैया जाने अपनी पूजा करवाइए ना, वे ही रक्षा करेगा। चलो सब ब्रजवासी को लेके कन्हैया और गिरिराज जी महाराज की तलहटी में पहुंच गए। बोले कि सब लोग गिरिराज जी से प्रार्थना करो और पूछो क्या बात है। सो गिरिराज जी ने प्रार्थना, गिरिराज जी से सब ब्रजवासी ने प्रार्थना करी तो गिरिराज जी महाराज 2 मिनट के बाद में कन्हैया और बोले कि सुनो सुनो भैया, गिरिराज जी ने मेरे कान में आके कह दई है कि लाला अगर तेरे ब्रजवासी ज्यादा ही संकट में पड़ रहे हैं तो तू एक काम कर, मोकू उठा के या गोवर्धन नाथ पर्वत को उठा के और छातो बना के ब्रजवासी को या के नीचे बैठा ले। ब्रजवासी बोले छोरे ते कछु समझ में आ रही है, जिस 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज जी पर्वत ऐसे तेने के नहीं कि जैसे 100 रुपया को छाता हुए बटन दबाओ खुल जायो है। अरे ये 7 कोस लंबो चौड़ो पर्वत है जी, कैसे उठ जाएगा। कन्हैया बोले जब मेरे गिरिराज जी ने कह दई है तो करना ही है। सो सब ब्रजवासी ने बोले कि ठीक है भैया, एक बार कोशिश करके देख ली। सो ब्रजवासी ने जोर लगाया और लगा के कन्हैया ने पलक झपकते ही और बड़ी सहजता से 7 कोस लंबे चौड़े उस गिरिराज जी पर्वत को उठा करके अपनी कनखी उंगली के नख पे धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। जैसे ही तो महाराज 7 वर्ष की अवस्था में 7 रात्रि 7 दिन पर्यंत कन्हैया ने गिरिराज जी महाराज को अपनी कनखी उंगली के नख पे धारण करके रखा। जब बारिश वर्षा होते होते 7 दिन बीत गए तब इंद्र ने कहा अपने मेघों से कि भैया अब जाके देखो, अगर ब्रज मंडल डूब गया हो तो जल बरसाना बंद कर दीजिए। जब दूत आए आकर के देखा तो ब्रज मंडल में धूल उड़ रही है। बोली धूल उड़ रही है, जाकर के कहा इंद्रदेव से कि महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, पानी की तो बूंद ही नहीं दिखाई दे रही है। बोले क्या मतलब कि हाँ महाराज, विनंद का छोरा कोई साधारण नहीं है। जिस समय उसने गोवर्धन नाथ पर्वत को उठाया तो पर्वत की एक कोने पर तो सुदर्शन जी महाराज बैठ करके जल को सुखा रहे थे और एक कोने पर बैठ करके अगस्त बाबा जल का पान कर रहे थे। बोले अगस्त बाबा की हाँ, वही जो 3 श्वासों में पूरे समुद्र को पी गए वही अगस्त बाबा। इंद्र समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, 2 मिनट में पहचान गए कि ये तो साक्षात भगवान है। इंद्र स्वर्ग से आए अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके, तो जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है वहीं से नंगे पैर दौड़ करके आए और कन्हैया के चरण पकड़ लिए। बोले सरकार मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो आपके ब्रजवासियों को संकट में डाल दिया। तो बोले इंद्र इसमें तू अपराधी नहीं है, क्योंकि तूने जो भी किया है ना ये मेरी इच्छा के अनुसार किया है। दूसरी बात इंद्र, मेरा एक स्वभाव है कि मेरी जिस पर विशेष कृपा होती है ना और उसे किसी भी वस्तु का यदि अभिमान होता है तो मैं सबसे पहले उसके अभिमान को तोड़ने के लिए उसको छीन लेता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त अभिमान के कारण नरक में जाए। किसी को पद का अभिमान हो, किसी को धन का अभिमान हो, किसी को किसी भी चीज का जो अभिमान हो, सबसे पहले मैं उसके उस वस्तु को हरण कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक उसका अभिमान नहीं छूटेगा तब तक वो पूर्ण रूप से मेरे चरणों में समर्पित नहीं होगा। इसलिए इंद्र तुझे अपने सिंहासन का अभिमान हो गया तो मैंने इसलिए ये लीला रची है, इसमें तेरी कमी नहीं है।
भगवत प्रीति हो। इंद्र वहां से क्षमा याचना मांग करके गई। दसवीं के दिन वहां से लौटे। दूसरे दिन एकादशी थी तो भूल में बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि भूल में दसवीं की रात्रि को और नंद बाबा को भ्रम हो गया तो अर्ध रात्रि में स्नान करने के लिए चले गए। जमुना जी में स्नान करने पहुंचे तो जैसे ही डुबकी मारी वरुण के दूत आए और नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक के लिए ले गए। जैसे कि वरुण लोक के लिए लेकर के गए हैं तो वहां वरुण देवता के सामने बांध करके डाल दिया। एक सखा ने देखा कि नंद बाबा जल से लौट करके नहीं आए तो दौड़ करके जाकर के कन्हैया से कहा कि कन्हैया नंद बाबा तो जमुना जी में डूब गए। कन्हैया दौड़े दौड़े आए जमुना जी में गोता मारे और सीधे वरुण लोक पहुंच गए। जैसे कि वरुण देवता ने कन्हैया को देखे कि सिंहासन छोड़ के और चरण पकड़ लिए, सरकार हम जीवधारियों का जीवन धन्य हो गया। कैसे आना हुआ सरकार, हमारा जीवन धन्य हो गया, बताइए सरकार क्या सेवा करूं। कन्हैया बोले बाबा क्या बात है, हमारे तो पामन ने धोए धोए के पी रहे हो, वंदना कर रहे हो और हमारे बाबा को पिताजी को तुमने बांध के डाल रखे हो। अरे महाराज जब वरुण देवता को ये पता चली कि नंद बाबा कन्हैया के पिताजी हैं कि पैरों तले से जमीन खिसक गई, घबरा गए, जल्दी जल्दी से खोल दिया कि क्षमा करना सरकार मेरे दूतों को पता नहीं था। लेकिन कारण था कि नंद बाबा अर्ध रात्रि में ही बाबा स्नान करने के लिए आ गए तो अर्ध रात्रि के समय जलाशय में कभी स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि जल के देवता उस समय शयन करते हैं, सोते हैं। छोड़ दिया जैसे तैसे करके वहां से नंद बाबा को लेकर के कन्हैया आए। आकर के सब ब्रजवासी ने घेर लिए, बाबा आज तो तुमको सांची सांची बतानी पड़ेगी कि जी कन्हैया वास्तव में तुम्हारा ही बेटा है क्या। नंद बाबा बोले भैया जामे कौन सी शंका की बात है रही है, कन्हैया तो मेरा ही बेटा है, तुम्हें क्या लग रही। बोले ना बाबा, देख 7 दिन की अवस्था में याने पूतना मारी, 7 दिन को जा दिन पूतना मारी, 7 वर्ष को भयो तो गिरिराज जी उठा ले है? इंद्र क्षमा याचना कर रहे हैं, बड़े बड़े देवता जाके पामन ने पकड़ रहे और आज बता रहे हो तुम के वरुण देवता ने आके पाम पकड़े। बाबा हमें तो लग रही है कि ये वास्तव में साक्षात भगवान है। दौड़ के कन्हैया के पास पहुंच के कन्हैया आज तो कुछ सांची सांची बतानी पड़ेगी कि तू भगवान है के ना है। कन्हैया बोले भैया तुम तो बड़े अजीब आदमी हो, अगर मैं भगवान भयो तो क्या करोगे बताओ। तो बोले लाला हमें यहाँ की कोई गुनाह है, तू भगवान है तो बनो है, लेकिन अगर तू वास्तव में भगवान है ना तो हम तो जी चाह रहे कि केवल तेरो वैकुंठ देखना चाहे। तो बोले चलो। सो कन्हैया सब ब्रजवासी सखान को इकट्ठे करके और ब्रह्मकुंड पर ले आए जो रंगनाथ जी के बराबर है, ब्रह्मकुंड पर ले आए और ला करके बोले कि जाकू वैकुंठ देखना हो न वो जा में गोता मारो। सभी ब्रजवासी आए और आके ब्रह्मकुंड में जैसे ही गोता लगाया और गोता लगाए के सब वैकुंठ में पहुंच गए। वैकुंठ में देखा तो वहां कोई दिखाई नहीं देता है। सभी से पूछे कि भैया हमारो कन्हैया कहीं मिलेगो, तो काऊ ने ना बताई। एक बोलो देखो वो शेष सैया जो सुरोय ना वही हमारो कन्हैया है। दौड़ के पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया, गए कोई पूजा स्तुति या अक्षत पुष्प जो भी आपको तुलसी दल जो भी अर्पण करना है वो भगवान को यही खड़े होकर के अर्पण करिए, अंदर नहीं जा सकते आप। भगवत प्रेमियों ब्रजवासी बोले कि भैया जी वैकुंठ हमारे काम को नहीं है, ऐसे वैकुंठ को लेके क्या करेंगे, जामे कन्हैया से मिलन ना देते, जामे दो बात ना वही जाके संग खेल ना पाए, तो ऐसा वैकुंठ तो भैया बेकार है, हमें नहीं चाहिए। सो ब्रजवासी बोले कि भैया हमें तो अपने वही जानो है। जैसे ही ब्रज का स्मरण किया सो ब्रह्म कुंड से उछाल मार करके बाहर निकले, देखा तो मेरा गोविंद मुस्कुराता हुआ मुरली बजाते हुए ब्रह्म कुंड के तट पर खड़े हैं। वाह, आकर के सभी लिपट गए। बोले कन्हैया
वास्तव में वैकुंठ में तेरे तो बड़े बड़े ठाट है नाना, चतुरानन पंचानन सब तेरी स्तुति गा रहे हैं, लेकिन कन्हैया एक बात बता मैं, तेरा वैकुंठ तो कुसाजा, राजा होएगो तो तू अपने वैकुंठ को, भगवान होएगो तो तू अपने वैकुंठ को, लेकिन कन्हैया हमारे लिए तू भगवान नहीं, और लाला कभी तू भगवान बनना भी मत। अगर तू वास्तविक ही भगवान रूप में बन गया तो आज जो तुझसे प्रेम है ना कन्हैया, वे प्रेम हम लोग तुझसे नहीं कर पाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तू भगवान बन करके हमारे आगे। अगर वास्तव में तू भगवान बन करके आ भी गया ना, तो बीच में एक डर पैदा हो जाएगा। इसलिए जब भी तू हो, हमारे सामने हो, तो अपने सखा के रूप में आना, हमें नहीं चाहिए तेरे वैकुंठ। आज ब्रजवासियों ने वैकुंठ को भी ठोकर मार दिया, लाख गुनों बढ़िया अपनों ब्रजधाम है लाला। जब चाहे जब तेरे संग खेले, जब चाहे तेरे संग खाए ले, जब चाहे तोते जैसे बतलाए ले, अरे वहां में वहां तो वैकुंठ में तो से कोई मिलन ही ना दे रहा। कन्हैया बोले कि भैया ठीक है, देख तो आए ना, मैंने तो तुमसे कही ना कि तुम वैकुंठ देखने के ताई जाओ, तुमने इच्छा करी तो तुम देखे आए और देख के आए गए, अच्छा लगो चाहे बुरा लगो वो तुम्हारी है। आज भक्त प्रेमियों उधर सभी को ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुन लो हमारी विनती, सुन लो हमारी, सुन लो हमारी विनती, सुन लो हमारी, आए शरण तिहारी जी, विनती सुन लो हमारी, आए मेरा माँ हूँ गंदा।
बाबा श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित। एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल बनकर के आ गया और भगवान को मारने के लिए दौड़ा, तो भगवान ने सींग पकड़ कर के ऐसे मरोड़ दिया जैसे गीले कपड़े को निचोड़ते हैं। अरिष्टासुर का उद्धार हुआ। उसी समय बाबा श्री देवऋषि नारद मथुरा में पहुंच जाते हैं। कंस से पूछा कि कंस क्या बात है, मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? बोले क्या बताऊं गुरुजी, मैंने इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा कृष्ण बलराम को मारने के लिए, लेकिन जाते तो सभी लौट करके कोई नहीं आता है। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि ये कृष्ण और बलराम हैं कौन। नारद जी बोले कि तुम बड़े भोले भाले हो, तुम नहीं जानते ये कौन है। ये कृष्ण और बलराम तुम्हारी बहन देवकी के सातवें और आठवें गर्भ ही कृष्ण और बलराम है। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम नहीं जानते हो वसुदेव को, सातवां गर्भ नष्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ। उस गर्भ को उठा करके दूसरे गर्भ में भेज दिया गया था और रातों रात आठवें गर्भ को उठा करके वसुदेव और नंद बाबा के यहां छोड़ आए थे। तुरंत उसी समय आपातकालीन सभा बुलाई। बोले अब क्या करना चाहिए? बोले महाराज अब तो यही है। नारद जी बोले कि अगर तुम एक एक करके सब राक्षसों को भेजते रहोगे तो सब मारे जाएंगे, अंत में तुमको जाना पड़ेगा तो तुम भी मारे जाओगे। मेरी इच्छा तो यह कहती है कि आप मेरी मानो तो कृष्ण और बलराम को कोई बहाना देकर कर यहां बुला लीजिए, तो आज भटपट रही हो। कंस ने तुरंत आदेश दिया कि जाइए बलराम और कृष्ण को लाने के लिए अक्रूर जी को बुलाओ, क्योंकि वे उनके चाचा लगते हैं। अक्रूर जी को बुलाया गया तो अक्रूर जी समझ गए, डरते डरते अक्रूर जी आए। अक्रूर जी जान गए कि शायद इस दुष्ट को पता चल गया कि कृष्ण ही मेरा काल है, और कितना बड़ा मूर्ख है कि काल को अपने घर बैठ करके बुला रहा है। आए अक्रूर जी, आकर के दरबार में प्रवेश किया, और जैसे ही दरबार में प्रवेश किया अक्रूर जी महाराज ने सोही हाथ जोड़ करके सिंहासन छोड़ करके अक्रूर जी को गले से लगा लिया। अक्रूर जी समझ गए, अक्रूर जी समझ गए कि नबन नीच की अति दुखदाई, नीच व्यक्ति अगर ज्यादा नब जाए तो समझ लेना कि बहुत बड़ी घात करने वाला है। नबन नीच की अति दुखदाई। बोले क्या बात है महाराज, इस दास को कैसी याद किया? बोले अक्रूर जी अब मैं तुमसे क्या छिपाऊंगा, मैंने एक विशाल मेले का आयोजन किया है जिसमें धनुष यज्ञ भी होगा, मल्ल युद्ध भी होगा, मैंने बड़ा नाम सुना है कृष्ण बलराम का, इसलिए आप मेरा रथ लेकर के जाइए और वृंदा ब्रज में जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आइए। भगवत प्रेमियों, अक्रूर जी महाराज ने एक क्षण नहीं लगाया, समझ गए कि ये दुष्ट जान गया कि कृष्ण मेरा काल है, पर मेरा क्या रथ देकर के, लेकिन मैं इसमें इसका धन्यवाद करूंगा। अपने घर में आराम से सोया हुआ था और उस कृष्ण के, उस जगत पिता के दर्शन करने के लिए मुझे रथ लेकर के भेज रहा है। ऐसा भी तो कोई हो भगवान के दर्शन करने के लिए जो भेज दे, बार बार प्रेरणा दे, तो मैं तो इसका धन्यवाद करूंगा। अक्रूर जी महाराज रात्रि में आए, अपने घर में विश्राम किया और सुबह होते ही अक्रूर जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ही और मथुरा से चल दिए। बैठे रथ में हैं लेकिन मन कृष्ण के चरणों में पहले ही पहुंच गया कि न जाने मेरे जीवन में कौन सा पुण्य किया होगा जो आज मुझे उस कृष्ण के दर्शन होंगे, उनके चरणों की रज को मैं अपने तन में रमाऊंगा। भगवत प्रेमियों, जैसे ही ब्रज की सीमा में, वृंदावन की सीमा में आए, सुबह के चले चले शाम हो गया, क्योंकि घोड़े तो जब चले जब उन्हें कोई चलाने वाला होगा। अक्रूर जी महाराज बैठ जाते हैं, लगाम छूट जाती है, ध्यान कन्हैया के चरणों में रहता है, रथ घोड़े भी रुक जाते हैं, रथ भी खड़ा हो जाता है, घोड़े चलने लगते हैं। जब
ध्यान से उठते हैं तो चला लेते हैं, जबकि 15 किलोमीटर का एरिया है वृंदावन और मथुरा से जन्मभूमि से 12 किलोमीटर पड़ता है। महाराज सुबह के चले चले गोधूलियों की वेला थी, शाम को वृंदावन में पहुंचे अक्रूर जी महाराज। उसी समय कुछ क्षण पहले कन्हैया और दोनों भैया दाऊ दादा गैया चरा करके लेकर के गए थे, तो पीछे पीछे कृष्ण बलराम दोनों जा रहे थे। तो जैसे ही गायों के पीछे छोटे छोटे चरण देखे, अक्रूर जी महाराज भाव विभल हो गए। शंख चक्र पदम ध्वजा वज्र अंकुश जब पृथ्वी पर छपे हुए जा रहे थे, तो समझ गए कि ये तो मेरे प्राण प्यारे उसे कृष्ण के चरण हैं। मान के चलिए कृष्ण गायों के खुर से जो पृथ्वी खुद जाती है, तो उसकी वेदना को दूर करने के लिए कन्हैया अपने चरणों की रज लगा करके मरलिम करते हुए जा रहे हैं। महाराज उठ करके रथ से कूद करके चरण रज को उठा करके अपने शरीर में लपेट लिया, और जैसे ही नंद भवन पर पहुंचे हैं, कन्हैया की जैसे ही नजर पड़ी कि अक्रूर जी आ गए, दौड़ पड़े दोनों भैया, अक्रूर चाचा आ गए, अक्रूर चाचा आ गए। अक्रूर जी ने जैसे ही कृष्ण को देखा तो कृष्ण के चरणों में लेट गए अक्रूर जी, और अपने नेत्रों के जल से कन्हैया के चरणों का पाद प्रक्षालन किया। दाऊ दादा अक्रूर चाचा के प्रेम को देख करके भाव विभल हो रहे। दोनों भैया गलवैया डाल करके हाथों में पछा करके अक्रूर चाचा को अंदर ले जाते हैं। भोजन आदि से निवृत्त कराया और सोते समय जैसे ही शयन कक्ष में अक्रूर जी पहुंचे हैं, भक्त जितना सोच भी नहीं पाता है भगवत प्रेम में, भगवान कहीं उससे ज्यादा करते हैं। अक्रूर जी जैसे ही विश्राम करने लगे ना शयन कक्ष में, आज मेरा ठाकुर चाचा अक्रूर जी के चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते कन्हैया पूछ बैठे कि चाचा जी मथुरा में सब सैकुशल से तो हैं। अक्रूर जी बोले, कन्हैया अगर सब कुशल पूर्वक होते ना तो शायद मैं आज तुम्हें लेने के लिए यहां नहीं आता। आज मैं यहां लेने के लिए तो यहां तुमको नहीं आता, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो गई है जिसका नाम है कंस, और उस बीमारी का इलाज केवल आप ही कर सकते हो। कन्हैया बोले, चाचा हम चलेंगे, लेकिन जाने की बात किसी को पता ना लग जाए। अगर किसी को ये जाने की बात पता चल गई कि हम जा रहे हैं, तो शायद हमारा निकलना यहां से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रजवासी ना हमको अपने प्राण समझते हैं। इसलिए आप तो केवल मेला घूमने की बात करना, बाकी और कोई बात ही मत करना। दौड़ करके गए कन्हैया आनंद बाबा के पास में जाकर के पहुंचे। बाबा अक्रूर चाचा के साथ में हम कल मथुरा का मेला देखने के लिए जाएंगे। जैसे ही ये बात सुनी यशोदा मैया ने, भोजन करने बैठी थी, सुहाग से ग्रास छूट गया कि कल कृष्ण जा रहा है। जो एक पल भी अपनी आंखों से दूर नहीं जिसको होने देती थी, वो उसके जाने की बात को कैसे सहन कर पाती। जैसे ही देखा और बैठ करके रोने लगी, दौड़ करके कन्हैया गई और यशोदा की गोदी में बैठ गई कि मैया क्या बात है। बोली, बेटा तू कल मथुरा जाएगा। मैया कल जाएंगे, एक दिन मेला देखने में लगेगा, तीसरे दिन लौट करके तेरे पास आ जाएगा। तू इतनी विभल हो रही है भगवत प्रेमियों। मैया ने जैसे तैसे अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लिया, रात्रि भर नींद नहीं आई। जैसे ही ये बात सभी को पता चली तो नंद बाबा ने कहा कि भैया ठीक है, रात्रि में ही सबको खबर भेज दी गई कि कल कोई मथुरा को मेला देखने चाहे तो कन्हैया जाए, वो सब लोग मथुरा को मेला देखने के ताई चलो। तो पूरे ब्रज में जैसे ही ये शब्द ब्रज की गोपियों के कान में पड़ा, आज सभी ब्रज गोपियां एक सगे खट्टी हो गई। एक पल भी जिनकी आंखों से ओझल होकर के असहनीय हो जाता था उनको, वे जाने की बात को कैसे सहन कर पाएंगी। एक दूसरी के पास दौड़ करके आ रही है कि बहन तूने सुना कि कल? हाँ हाँ बहन, मैं यही चर्चा करने के लिए तेरे पास आ रही थी। बोली, बहन कैसे जाए? बोली, बहन मैं अपने जीते जीते तो कृष्ण को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी।
रथ के सामने लेट जाऊंगी, प्राणों को त्याग दूंगी। अरे हम लोगों की यही तो प्राण है, जब प्राण ही निकल करके चले जाएंगे तो तन का क्या करेंगे। एक बोली बहन, शायद विधाता ने हमारे प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा होगा। ये विधाता भी न जाने कैसी कलम चलाता है, जब जैसे आता है जिसके साथ में जैसे खेलता है। इसका स्वभाव भी बिल्कुल के बच्चों के जैसा है। बहन सभी दौड़ करके आई भगवत प्रेमियों। एक बोली बहन, मेरे लिए तो ये अक्रूर ही शायद बहुत क्रूर बन करके आया है। ना ये अक्रूर आता और ना कृष्ण को जाने की बात होती। दूसरी बोली बहन, विधाता को हमने देखा नहीं है, उसे कैसे रोकेंगे, उसको कोसने से कोई लाभ भी नहीं है। भगवत प्रेमियों, एक गोपी कहती है कि सारे ब्रज मंडल की ये दो ही तो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम। आज पूरा ब्रज मंडल आंखों से अंधा हो जाएगा, जब नेत्र ही निकल करके चले जाएंगे तो क्या करेंगे। बोली कि बहन हम जाने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए अपने प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन प्राण प्यारे को जाने नहीं देंगे। आज भगवत प्रेमियों, जैसे तैसे करके रात्रि व्यतीत हुई, सुबह हुआ। सुबह होते ही कन्हैया चुपके से जा रहे थे रथ में बैठ करके, क्रूर चाचा रथ को हांक रहे थे। जैसे ही जाते देखा तो गोपियों के धैर्य का बांध टूट गया और दौड़ पड़ी गोपी आकर के रथ के सामने लेट गई। अक्रूर चाचा ने देखा कि गोपियां रथ के सामने लेटी हैं। अक्रूर जी बोले, कन्हैया क्या किया जाए। कन्हैया बोले, रुकिए। उतर करके कन्हैया आए, आकर के बोले, गोपियों मैं आज जा रहा हूं, कल मथुरा का मेला देखूंगा और परसों लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गोपी बोली, कृष्ण तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे। एक गोपी बोली, बहन कब तक हमें अपने पास लगा करके रखेंगे, कभी तो इनका भी तो मन करता होगा घूमने फिरने के लिए, इसलिए इनको जाने दीजिए। जैसे तैसे करके अपने हृदय पर धैर्य का पत्र धारण करके गोपियों ने जाने की अनुमति दी। जैसे ही रथ आगे को बढ़ने लगा तो पीछे से दौड़ी दौड़ी वो यशोदा मैया आई। आज ये नहीं कह रही है, अरे भैया कोई रथ को रोको तो सही। एक ब्रज की गोपी कृष्ण से निवेदन करना चाहती है, ये नहीं कहा कि तेरी माँ तुझसे निवेदन करना चाहती है। दौड़ती हुई गिरती हुई जैसे यशोदा मैया आई, कन्हैया ने पीछे मुड़ करके देखा कि यशोदा मैया दौड़ रही है। रथ से कूद पड़े, कूद करके यशोदा के हृदय से लग गए। यशोदा से कहने लगे कि मैया काहे को तू इतनी विखल हो रही है, मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों लौट करके तेरे पास आ जाऊंगा। वाह रे कृष्ण, जिसने तुझको पाल करके बड़ा किया तू उसके साथ भी नहीं चूका, उसको तो कम से कम कह देता कि मां मैं लौट करके नहीं आऊंगा। आज कृष्ण बोले, मैया तो उसे झूठ नहीं बोल के जाएंगे, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों लौट करके तेरे पास आ जाएंगे। आज यशोदा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि बेटा मोकु आज पतो लगी है कि तू मेरा बेटा नहीं, तू तो देवकी का पुत्र है। अगर मुझको ये पता पहले लग जाती कि तू देवकी का बेटा है तो ना तो मैं तुझे उखन से बांधती, ना तुझे छड़ी लेकर के मारती, लेकिन मैं गोपी ब्रज की तुझसे एक निवेदन करती है कि कभी देवकी से जाकर के मत कहना कि मैंने तुझको उखन से बांधा या तुझको पीटा या रस्सियों से बांधा, ये बात तू कभी मत कहना, नहीं देवकी को बहुत बुरा लगेगा। कन्हैया बोले, मैया उसने तो जन्म देकर के तेरे पास भेज दिया, आज तूने पाल करके इतना बड़ा किया, तेरे एहसानों को मैं नहीं भूल सकता। मैया तू धैर्य रख, मैं परसों लौट करके आऊंगा। क्या रे कृष्ण, क्या खता हुई हम लोगों से, तू जिस दिन से छोड़ करके गया कभी लौट करके नहीं। जैसे तैसे करके यशोदा ने भी विदा कर दिया, रथ में बैठ करके और चल दिए। सभी ब्रज की गोपियां रोती बिलखती लौट करके आई। यशोदा भी आकर के महल में जब देखा कि महल खाली पड़ा है तो दीवारों से बतला रही है,
बैठी बैठी रो रही है, वृद्ध अवस्था है, नंद बाबा साथ चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, कैसे दिन बीते कोई यतन बता जा, और कैसे दिन बीते रे कोई यतन बता जा, जाओ कहाँ जाओ कोई राह दिखा जा, जाओ कहाँ जाओ कोई राह दिखा जा, काधारे ओ काधा ओ काधा, कैसे दिन भी तेरे कोई यतन बता, कैसे दिन बीते कोई यतन बता जा, जाओ कहाँ जाओ कोई राह दिखा जा, जाओ कहाँ जाओ कोई राह दिखा जा, कान्हा रे ओ कान्हा कान्हा लागे बिंदिया जोड़ी चिंगारी लागे सोला लागे बिंदिया, अखियों से उड़े गई रतियों की नींदिया, अखियों से उड़े गई रतियों की नींदिया, अखियों से उड़े गई रतियों की नींदिया, अखियों से उड़ गई रतियों की नींदिया, मुरली वाले आजा मुझे गले से लगा जा, मुरली वाले आजा मुझे गले से लगा जा, जाओ कहाँ जाओ कोई राह दिखा जा, जाओ देते काना भोगी हम लगावेंगे, दर्शन देते काना भोग हम लगावेंगे, भोगी लगा के जीवन सफल बनावेंगे, भोग लगा के जीवन सफल बनावेंगे, हो हल्की सी झलक सभी को हल्की सी झलक सभी को दिखला जा, जाओ कहाँ जाओ कोई राह दिखा जा, जाओ कहाँ जाओ कोई राह दिखा जा, काना रे ओ काना संवरिया, अपने ही रंग में मुझे रंग ले संवरिया, धोबी या धोए चाहे सारी उमरिया, धोबी या धोए चाहे सारी उमरिया, अपने ही रंग में मुझे रंग ले संवरिया, अप
अपने ही रंग में मुझे रंग ले सवरिया। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। काली कमली वाले आजा गले से लगा जा, काली कमली वाले आजा गले से लगा जा। जाऊं कहां जाऊं कोई रात दिखा जा, जाऊं कहां जाऊं कोई रात दिखा जा। कान्हा रे ओ कान्हा, ओ कान्हा ए मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी। आज भगवत प्रेमियों रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़कर के कृष्ण चले गए। बीच मार्ग में जाकर के जमुना जी पड़ी तो चाचा क्रूर जी महाराज ने जमुना जी के तट पर रथ को रोक दिया। अक्रूर जी ने जमुना जी में जब स्नान किया तो एक रूप में तो कन्हैया रथ पर बैठे हुए हैं और एक चतुर्भुजी रूप में कृष्ण डुबकी लगाते समय चाचा अर्जुन अक्रूर जी को दर्शन दिए। दोबारा निकल करके देखा तो कन्हैया रथ में बैठे हैं, फिर डुबकी मारी तो भक्त प्रहलाद ध्रुव जी के साथ में फिर कन्हैया का दर्शन हुआ। निकल करके जब आए रथ में बैठे तो आंखें पाड़ पाड़ करके कृष्ण की तरफ देख रहे थे। कन्हैया बोला, चाचा क्या बात है, आप क्यों आंखें पाड़ पाड़ करके देख रहे हो, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अक्रूर कृष्ण अब ज्यादा लीला मत करना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पहचान गया आप तो भगवान हो साक्षात। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, 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 दीवाना हूँ तेरा कान्हा। हो मुझे ज्यादा न तड़पाना, हो मुझे ज्यादा न तड़पाना, दीवाना कान्हा।
गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे, काढ़ा रे नंद गांव में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे, ढूंढ आया मैं बरसाना, ढूंढ आया मैं बरसाना, दीवाना हूँ तेरा को लेकर के अक्रूर जी महाराज उस वन में पहुंच गए जहां पर नंद बाबा वृद्ध ग्वाल वालों के साथ में रुके हुए थे। ले जाकर के अभी एक पहर दिन का बाकी था। चाचा अक्रूर जी कहते हैं कि कृष्ण, जिस कार्य के लिए आप मथुरा में आए हैं उस कार्य से निवृत्त होकर के अगर एक दिन तुम्हें समय मिल जाए तो मेरी कुटिया में जरूर चरण रख देना। एक पहर बाकी दिन का था। कन्हैया बाबा से बोले कि बाबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक पहर बाकी है दिन में, आप कहो तो हम मथुरा में घूमे आवे। नंद बाबा बोले कि तू अकेलो नहीं जाएगा, क्योंकि नंद बाबा तो जानते हैं ना कि ये तो बच्चा है, वो असलियत को नहीं पहचान पाए, और जब भी पहचाने तो दो मिनट में भुला देता था। बोले कि कृष्ण, तू छोटा है, अकेला नहीं जाएगा, और तेरी आदत को मैं जानता हूं, तो किसी से भी झगड़ा कर लेगा। बलराम, यदि इसका ज्यादा मन कर रहा है तो तुम इसके साथ जाओ। तो आज दाऊ दादा के साथ में कृष्ण चल दिए। मथुरा वासियों ने आज कृष्ण का भव्य स्वागत किया कि भैया देखिए, यही है वो छोटा बच्चा,
पूतना को मारने वाला, अघासुर को मारने वाला, धेनुकासुर को मारने वाला, केसी को मारने वाला, अब ये कंस को भी मारेगा। चर्चा चलने लगी, भगवत प्रेमियों यो घूमते फिरते सबके चित्त को चुराते हुए कृष्ण और कंस की उस सभागार में पहुंचे जहां पर दिव्य धनुष रखा हुआ था। उस सभागार में जाकर के कन्हैया ने बोली, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब ब्रजवासियों ने स्वागत किया, मथुरा वासियों ने ब्रजवासी सखाओं का और कृष्ण का, तो एक धोबी के यहां पर कृष्ण पधारे। धोबी ने जब कपड़ा देने के लिए मना किया तो एक थप्पड़ मार करके उसके प्राणांत कर दिया। सभी सखाओं के कपड़ा बदलवा करके चल दिए। आगे बढ़े तो दर्जी मिला, दर्जी ने उन सखाओं के अनुकूल कपड़े बना करके उन्हें पहना दिए। ब्रजवासी से बोले, कन्हैया अब कोई कमी? ब्रजवासी बोले, लाला एक माला की कमी रह गई है। तो एक सुदामा नाम का माली था मथुरा में रहने वाला, जो कृष्ण का भक्त था। बिना पूछे बिना बुलाए कृष्ण उसके घर चले गए। जैसे ही कृष्ण को अपने घर में आते हुए देखा, माली उछल पड़ा। जितनी भी घर में माला थी, गरीब था, कुछ नहीं था बेचारे के पास में, जितनी भी माला थी सब सखाओं के गले में डाली। मोटी सी माला कन्हैया के गले में डाल दी। आगे बढ़े तो बोले, लाला बस अब एक चंदन की कमी रह गई है। तो सामने से तीन जगह से टेढ़ी कुर्जा चंदन का पात्र लिए हाथ में आ रही थी। तो जैसे ही बराबर से निकला कुब्जा कन्हैया के, कुब्जा ने कन्हैया ने कहा कि कुब्जा ए सुंदरी ठहरिए जरा। जब उसने सुंदरी पहली बार जीवन में ये संबोधन सुना तो ठहर गई। बोली, कहिए सरकार। बोली, आप अपना परिचय दीजिए। तो बोली सरकार, कि दास्यस्य में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामानुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रत प्रियं बिना युवाम कोन्यतमास्त दर्हति। महाराज, दास्यस्य में हम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूं। त्रिवक्र नामानुलेप कर्मणि, कंस की दासी हूं। वैसे मेरा नाम सैरंधरी है, लेकिन तीन जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए मेरा कोई नाम नहीं लेता है। सब कुब्जा कहकर के बोलते। और मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजपति युवा को वन मस्त मद भाव तम भोजपते रत प्रिय, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजपति कंस को बड़ा प्रिय लगता है, इसलिए दरबार में चंदन की सेवा मैं ही करती हूँ। भगवत प्रेमियों, कन्हैया बोली, अगर देवी तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो ये चंदन आप हमारे सखाओं के लगा दीजिए। बोली सरकार, ये तो मेरे परम सौभाग्य की बात होगी, जो मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे सखाओं के मस्तक पर लगेगा। बिचारी ने उछल उछल करके सभी सखाओं के चंदन लगा दिया, कन्हैया के लगा दिया, दाऊ दादा के लगा दिया। जब वहां से चलने लगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, सरकार एक दिन इस दासी की कुटिया में भी आकर के चरण रख देना। जब चलने लगी तो दाऊ दादा बोले, कन्हैया ये आदत तुम्हारी अच्छी नहीं है। अब बेचारी दरबार में चंदन लेकर के जाती तो न जाने कितना इनाम मिलता, और तुमने खाली हाथ भेज दिया। बोले दादा रोकिए, आज हम इसको ऐसा इनाम देंगे कि भोजपति कंस ने कभी उसके बारे में सोचा भी ना। तुरंत पास में बुला लिया, अपने चरण के श्री अंगूठा को उसके पैरों पर रख करके और तीन उंगली ठोड़ी के नीचे लगा करके जो हल्का सा झटका दिया कि तीनों कुबड़ एक क्षण में गायब हो गए और वो परम सुंदरी के रूप में परिणत हो गई। बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कन्हैया उस दिव्य सभागार में पधारे जहां पर धनुष रखा। धनुष को जाकर के देखे, चारों तरफ घूमे तो हंसने लगे। दाऊ दादा से बोले, दादा आप कहो तो धनुष छुई के देख ले। दाऊ दादा बोले, छुबे की क्या बात है, या मैं तो खूब उठाए के देखो।
तो जितने भी वहां पर दूत खड़े थे वे बोले कि देखिए कल परसों को, क्योंकि मेरे कन्हैया की उस समय आयु थी 11 वर्ष 55 दिन की, 56वें दिन कंस को मारा है, 11 वर्ष 55 दिन की उस दिन आयु थी जिस दिन कन्हैया मथुरा में पहुंचे हैं। तो उन जितने भी दूत थे वे हंसने लगे, तो कन्हैया ने तुरंत उसे बाएं हाथ से उठा करके जो दाहिने हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाई कि धनुष एक पलक झपकते ही दो टुकड़े कर दिए। जैसे ही धनुष टूटा तो सब चिक्कार करने लगे, दूत मारने के लिए दौड़े, पृथ्वी हल गई, घनघोर आवाज हुई, कंस सिंहासन से गिरते गिरते बच गया। एक हिस्सा धनुष का दाऊ दादा ने ले लिया, एक कन्हैया ने ले लिया, दोनों दूतों को मार मार करके भगा दिए। एक दूत दौड़ा दौड़ा गया कंस के पास में कि महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ कि आपने क्यों बुला लिया इस कृष्ण को? अरे आपका धनुष तोड़ दिया, जिस समय ये धनुष परशुराम जी ने इसको दिया था उस समय कह दिया था कि कंस जब ये जिस दिन ये धनुष टूट जाए तो समझ लेना उसी दिन तेरा अंत होने वाला है, और जब तक इस पहले तो इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसे तोड़ेगा वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तो उसकी हालत खराब हो गई महाराज, पीट पीट करके भगा दिया। कृष्ण बलराम ने आकर के वन में शाम को विश्राम किया। सुबह होते ही उस दिव्य सभागार के लिए तैयार हुए जहां मल्ल युद्ध होने वाला था। भगवत प्रेमियों, जैसे ही दाऊ दादा के साथ में कृष्ण उस दिव्य सभागार के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां एक कुबलिया पीड नाम का हाथी खड़ा था, और महावत दोनों वहां पर खड़े हुए थे। तो कन्हैया ने कही भैया ये हाथी हटाओ, हम अंदर जाना चाहते हैं। तो उसने चाबुक मार करके, अंकुश मार करके हाथी के, और हाथी को दौड़ा दिया। हाथी में 10,000 हाथियों का बल। तो कन्हैया ने दौड़ करके क्या किया, उछल करके उस हाथी के दांतों को पकड़ लिया, और जो झटका मारा के हाथी के दांत उखाड़ लिए, और हाथी के दांत से ही हाथी को पीट पीट करके उसका भी प्राणांत कर दिया, महावत को भी मार दिया, और दिव्य सभागार में पहुंच गए। देखिए उस सभागार में मल्ल भी बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई है, नई युवतियां भी बैठी हुई, कन्हैया के सखा भी हैं, वृद्ध ग्वालवाल भी हैं, बड़े बड़े मल्ल भी हैं, पहलवान भी हैं वहां, और संत भी हैं, योगी भी हैं, और भक्त भी वहां पर बैठ रहे हैं। तो जैसे ही कन्हैया ने उस दवा सभागार में प्रवेश किया है तो मल्ल जितने भी बैठे थे उनको तो कन्हैया पहाड़ जैसा दिखाई देता है, जितने भी वृद्ध ग्वालवाल बैठे थे उनको कन्हैया अपने बेटे के रूप में दिखाई देता है, और जितने भी सखा व उस सभागार में बैठे थे उनको कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखाई देता है, जितनी भी माताएं बैठी थी उनको पुत्र के रूप में दिखाई देता है, जितनी भी नई युवतियां बैठी थी उनको कन्हैया कामदेव के रूप में दिखाई देता है, और जितने भी योगी वहां पर बैठे हुए थे उन्हें परम तत्व के रूप में दिखता है, और जितने भी वहां पर भक्त बैठे हैं उन्हें भगवान के रूप में दिखता है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।